नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रिज्यूमे कैसे बनाएंगे 1 मिनट में वो आपको सभी सिखाने वाले, एकदम जस्ट आपको फॉर्मेट दे देंगे, उसमें आपको बस अपना टाइप कर लेना है सारा इन्फॉर्मेशन और आपका बन जाएगा। जिस प्रकार हमने ये बनाया रिज्यूमे, आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में अधिकतर हो सकता है, या किसी को अपना पर्सनल डिटेल बताने हो तो आपको इसको PDF भेज सकते हैं, या आपने ये सब कलर प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। ये आपको बहुत काम आने वाला है। आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, क्या क्या स्किल है आपके पास, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सभी आप रिज्यूमे में डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बारीकी से हम अपना बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले रिज्यूमे का ऊपर में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको नेम है, उसके बाद क्या है, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, हाइट रहेगा, नेशनलिटी रहेगा, रिलीजन रहेगा, कास्ट रहेगा, मैरिटल स्टेटस रहेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उसके बाद देखिए ईमेल आईडी अपना डाल देना है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको सभी पूरा अच्छे तरीके से डाल देना है। उसके बाद जो आपने 10th 12th या कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया है उसको आपको बारीकी से इस वाले बॉक्स में सभी में डालना है, और जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया उस सभी के यहाँ पर नाम डालना है, और कौन से स्कूल या कॉलेज से किया है वहाँ पर नाम डालना है, उसका पासिंग ईयर कितना था, किस ईयर में आपने पास किया था, उसका मार्क्स कितना आया था 10th में 12th में, और BSc या कोई भी आप सब्जेक्ट BA या BSc या BCom किए हैं उसमें कितना नंबर आया था, उसके परसेंटेज में कितना आया, उसको परसेंटेज आप डिवाइड करके कर लीजिएगा, और कौन सा डिवीजन है फर्स्ट सेकेंड या थर्ड आया उसको भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर सभी फॉर्मेट बनाया हुआ है, बस आपको अपना टाइप कर लेना है। अगर कोई आप स्किल भी किए हैं, या मान के चलिए कोई टीचर से रिलेटेड डिग्री किया है, BEd हो गया या डिप्लोमा हो गया या पॉलिटेक्निक हो गया या ITI हो गया, उसको भी आप डाल लीजिएगा स्किल्स के अंदर। स्किल्स में आपको मान के चलिए कंप्यूटर से कोई कोर्स किए होंगे, मान के चलिए DCA आप नहीं किए होंगे, ADCA किए होंगे, तो यहाँ पर इसको कट करके आप ADCA कर लीजिएगा, उसको बारे में सारे इन्फॉर्मेशन डाल लीजिएगा। MS ऑफिस इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो वो भी आप डाल दीजिए कितना वर्ड पर मिनट है, हिंदी टाइपिंग करते हैं कितना वर्ड पर मिनट है, उसके बाद मान के चलिए टैली भी, आप कुछ जो भी कोर्स किए कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर आप सब डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसके बाद किस प्लेस से आप ये बना रहे हैं वहाँ पर अपना डाल दीजिएगा, डेट डाल लीजिएगा जिस दिन बना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर यहाँ पर डाल लीजिएगा, और ये सभी कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में एक फ़ोटो भी आपको डाल लेना है जो आपको ऊपर पे अच्छे से दिखेगा, यानी कि सभी सिग्नेचर और फोटो को डालना ही डालना है, वो भी आपको बता देते हैं कैसे डालना है, और इसका फॉर्मेट भी आपको चल को बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यहाँ पर सभी डिटेल को डालना है। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, इसको आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, ठीक। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, उसका एक वेबसाइट का नाम बताते हैं उस पर जाना है, और सभी को यहाँ पर जितना जो डिटेल दिया है सभी को बारी बारी सभी को फिल करना है, ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, उसको सभी को अपलोड करना है। तो आपका अपना गूगल खोलना है, वहाँ पर आपको डालना है sesda.com या sesda.pdf डालिएगा तो वेबसाइट में यहाँ खुल जाएगा। सबसे फर्स्ट वेबसाइट इस पर क्लिक करना है और उसको जो है डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखेगा ETPDF डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर बोलेगा अपलोड फाइल क्लिक करने के लिए। उसके बाद अपलोड कर लेने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएगा। तो नेम डालने के लिए इस वाले दो बिंदु पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा इस साइड की ओर दाएं लाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक थोड़ा स्पेस देना है, एक स्पेस कर बटन दबाने का, मान के चलिए हमारा नेम है सावन, यानी कि SAWAN सावन, इसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर कैपिटल स्मॉल का यहाँ पर इशू हो रहा है, इसलिए हम सभी को कैपिटल में लिखेंगे, आपका मन तो आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया, उसके बाद देखिए ये डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर कुमार भी डाल देते हैं। यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर देखें तो थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कीप यूजिंग ओरिजिनल, इसलिए हम यहाँ पर ओरिजिनल वाले पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए ये सभी जो हमारा ओरिजिनल फॉन्ट में लिखा जाएगा। उसी प्रकार आप सबको सारी इसी तरह फिल करना है, दो बिंदु पर क्लिक करें, मान के चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ जितना है उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको दाएँ साइड लाएंगे, एक एक इसको इधर करके, यानी कि इस प्रकार आपको करना है, जितना हो सके उतना जूम कर लीजिएगा। एक बार स्पेस बटन दबाइए, मान के चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2002, यानी कि 01 करना है, उसके बाद फिर से 01 करना है, उसका 2002 डाल देना है। इस प्रकार आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा। मान के चलिए जेंडर आपको लिखना है तो बढ़िया से पहले जूम कर लीजिएगा, उसके बाद दो बिंदु पर क्लिक करना है यहाँ पर, इसके बाद इसको आगे बढ़ाना है, फिर स्पेस दबाइएगा, आपका मेल जो है लिख लेना है, मेल या फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पर फिर से अगले वाले पर जाना है, तो उसी प्रकार दो बिंदु पर टच जरूर कीजिएगा, नहीं तो उसी प्रकार फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका हाइट जो है, हाइट के लिए यहाँ पर लिखना है, स्पेस दबाना है, मान के चलिए आपका जो हाइट 6 फीट, यानी कि 6 लिखना है, उसके बाद FT डॉट लगाकर 6 फीट लिख देना है। उसके बाद क्या है, नेशनलिटी, नेशनलिटी के लिए फिर दो बिंदु पर क्लिक करेंगे, दाएं साइड जाएंगे, एक स्पेस बटन दबाएंगे और इंडियन लिख लेंगे, यहाँ पर सभी को कैपिटल में इंडियन लिख लेने के बाद जैसे जैसे टोटल है उसी प्रकार को सभी को फिल करते जाना है। मान के चलिए कास्ट हो गया आपका, मैरिटल स्टेटस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद एड्रेस सभी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जिस प्रकार हमने बताया था यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डाल देना है 10th सबसे पहले, इसको टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट को पहले हटा देंगे सभी को, उसमें यहाँ पर 10th डालेंगे। 10th लिखने के बाद आपको इसको बोल्ड करना है, यहाँ पर बोल्ड वाला ऊपर आपको दिख रहा है, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड हो गया। मान के चलिए इसको थोड़ा सेंटर में लाना है तो इसको छोड़ दीजिएगा, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरी जगह पर कहीं क्लिक कर लेना है, इसको छोड़ना है,
अब इसको देखिए, यहाँ पर इसको स्पेस बढ़िया से दबाए रखना है, उसको थोड़ा सा बीच में लाना है, यहाँ पर देखिए ये बीच में, उसके बाद के चल बीच वाले हमको 12th डालना है, यानी कि यहाँ पर फिर टाइप आ गया, और उसको यहाँ पर टेक्स्ट को फिर से हटा लेंगे, उसको यहाँ पर 12th डालेंगे, यानी कि 12th हम डाल लेते हैं यहाँ पर पहले, उसके बाद ये हो गया। अब इसको फिर ऐसे स्पेस में डालना है, यानी इसको कहीं पर क्लिक कर लेंगे दूसरा जगह, उसके बाद इसको 12th को फिर से बीच पर पूरा स्पेस दबाए रखेंगे और बीच में इसको स्क्रॉल करके डाल देंगे, यहाँ पर 12th हो चुका है। अब मान कर चलिए यहाँ पर तीसरे वाले बॉक्स में हमको डालना है ग्रेजुएशन का कोई कोर्स, यानी इसको टेक्स्ट को पहले हटा लेंगे क्लिक करके, यहाँ इसको कट करके हटाते हैं। मान कर चलिए आपने बी ए किया हुआ है, यानी कि बी ए यहाँ पर डाल लेते हैं, कैपिटल में सबको डालना है। अब इसको कोस्ट में डालना है, मान कर चलिए आप हिस्ट्री ऑनर्स किए होंगे, तो हिस्ट्री को एच से लिख लेते हैं और उसको बंद कर लेते हैं। अब कहीं पर और क्लिक कर लेना है इसी बॉक्स के आसपास, यानी यहाँ पर हमने क्लिक किया और बी ए वाले को इसको सेंटर पूरा तरह से इसको स्पेस दबाए रखना है, क्लिक करके उसको जो है इसको घसकाते हुए बीच में ला देना, यानी कि यहाँ पर हमने डाल दिया। उसी प्रकार आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी सभी का नाम डालते हुए, सभी को बीच सेंटर में लाते हुए, स्कूल कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर, मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन सभी को डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्किल है आपको तो स्किल डाल लीजिएगा, नहीं तो इसको कट करके हटा दीजिएगा, और प्लेस है तो यहाँ पर प्लेस अपना डाल लीजिएगा, डेट यहाँ पर जिस दिन बनाए वहाँ पर डाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी डाल लीजिएगा। फोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई चेंजेस नीचे दिख रहा है, यहाँ पर सेव कर लेना है और इसको अप्लाई चेंजेस जैसे कीजिएगा यहाँ पर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा।